अस्सलाम वालेकुम, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर डेरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन लैडमपॉल है। आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि क्लिनिकली इस दवा को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और मैं दो तीन मेन बातें आपको बताऊंगी जिनको अगर आप अपने जहन नशीन कर लें, याद कर लें, तो लैडम समझ लीजिए आपने याद कर ली। ये दवा जो है, पहले मैं वो तीन बातें आपको बता दूं जिसके लिए क्लिनिकली हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। एक तो इस दवा को गाउट में इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे इस दवा को ज़ख्मों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तीसरे इस दवा की खासियत ये है कि ये इस दवा के जो दर्द हैं वो नीचे से ऊपर आते हैं। नीचे से ऊपर आने का मतलब यह है कि दर्द आपके पैर में शुरू हुआ और आहिस्ता आहिस्ता आपके टखने की तरफ, टखने से पिंडली की तरफ, फिर पिंडली से ऊपर की तरफ आया। इसी तरह दर्द आपकी कलाई से शुरू हुआ और आपकी कोहनी की तरफ आया, दर्द कोहनी से शुरू हुआ और ऊपर की तरफ आपके शोल्डर की तरफ चला गया, दर्द निचली कमर से शुरू हुआ और ट्रैवल करता हुआ ऊपर वाली कमर की तरफ चला गया। लिहाजा इस दवा का खासा क्या है कि इसके तमाम के तमाम रोमेटिक पेन जो हैं, जो जोड़ों के हवाले से जो तकलीफ़ हैं, वो नीचे से शुरू होती हैं और ऊपर की तरफ ट्रैवल करती हैं। यानी ये इसका एक ऐसा करैक्टरिस्टिक सिम्टम है जिसकी बुनियाद पर आप इस दवा को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वो तीन मेन पॉइंट हैं जिनको आपने क्लिनिकली इस दवा को याद करने के लिए इस्तेमाल करना है। गाउट, छोटे जोड़ों का दर्द, ज़ख़म, ख़ास तौर पर कौन से ज़ख़म, ख़ास तौर पर पंक्चर्ड वूंड्स जो होते हैं उनमें इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है, और तीसरे जो मैंने अभी इसका खासा बताया कि दर्द नीचे से ऊपर जाते हैं। अब मैं आपको इस दवा के हवाले से थोड़ा सा ब्रीफ़ कर दूं कि इस दवा को हम क्लिनिकली कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। ये जो मैंने तीन चीज़ें बताई हैं ना, अब मैं इसी को खोलूंगी, मैं कोई नई चीज़ नहीं उसमें ऐड करने जा रही, मैं उसी को खोलूंगी और उसी के हवाले से आपको बताऊंगी कि लैडम को कहां इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने ये बात कही है कि अगर आप इन तीन पॉइंट्स को याद कर लें तो आप लैडम को ना सिर्फ याद कर गए बल्कि क्लिनिकली आपने लैडम का इस्तेमाल सीख लिया। तो अब आते हैं, मैं आपको इसकी खासियतें बताती हूँ कि लैडम को किस हवाले से शोहरत हासिल है। सबसे पहले तो ये एंटी पैरासाइटिक मेडिसन है, दूसरे इसको रोमेटिक रेमेडी कहा जाता है। इसकी ये जो एंटी पैरासाइटिक एक्शन है ना, जिसकी वजह से इसको शोहरत हासिल है, तो जाहिर है उस एंटी पैरासाइटिक एक्शन की वजह से ही ये ज़ख्मों की बेहतरीन दवा है। और फिर इसकी इसी खासियत की बुनियाद पर हम इस दवा को सर की जुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जिन लोगों के सर में जुएँ पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा मकदार में जुएँ पड़ती हैं, तो वहाँ हम लैडमपॉल को इस्तेमाल करवाते हैं। फिर ये प्रिवेंटेटिव मेडिसन है, किस हवाले से, टेटनस के हवाले से। आपने देखा होगा कि जब आपको सड़क के ऊपर रगड़ लगती है, जब आप सड़क के ऊपर गिरते हैं, आपका एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, तो सबसे पहले आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि जिन सड़कों के ऊपर जानवरों की लीद वगैरह बड़ी होती है, उनकी वजह से आपके मर्ज के, आपकी चोट के बिगड़ने का अंदेशा होता है और नतीजे के तौर पर आप पर तशन्नजी कैफियात तारी हो सकती हैं। लिहाजा एक्सीडेंट की सूरत में सबसे पहले जो है पेशेंट को टेटनस का इंजेक्शन लगाया जाता है कि जो भी रगड़ लगी है उसको किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर जानवरों का गुजर होता है, तो वो जानवरों की लीद वगैरह या उनकी जो गंदगी है वो आपके अंदर ख़राबी पैदा कर सकती है, तो आपको तशन्नुज से बचाने के लिए तशन्नुज का इंजेक्शन लगाया जाता है। तो लैडम की क्या हैसियत है कि ये तशन्नुज के बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी प्रिवेंटेटिव फॉर टेटनस, तशन्नुज से बचाव की दवा है। ज़ख्मों में जहर फैल जाए, ज़ख़म बिगड़ जाए, मुतफ़िन हो जाए, और उसकी वजह से अगर तशन्नजी झटके लगे और तशन्नज की कैफियत आए, तो वहाँ लैडमपॉल को इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस दवा को
काटने के हवाले से, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों के इंसेक्ट्स के काट जाने के हवाले से और पंक्चर्ड वूंड के हवाले से शोहरत हासिल है। पंक्चर्ड वूंड्स के वूंड्स कहते हैं कि किसी नुकीली चीज़ से अगर आपको चोट लग जाए, जैसे कि कील वगैरह अगर आपको चुभ जाता है या तेज़ छुरी आपको अगर लग जाती है, तो उसकी वजह से जो ज़ख़म आपको आते हैं उसमें इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो बाइट्स हैं या काटने वाली बातें हैं, इसमें ये दवा जो है मच्छर के काटने से, शहद की मक्खी के काटने की वजह से बेड़ काट जाती है, बिच्छू काट जाता है, छिपकली काट गई, चूहा काट गया, कोई भी जानवर आपको इस तरह काट लेता है तो उसके बाद उसके नतीज से बचने के लिए लेडमपॉल का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन आपको अगर भीड़ काट गई है तो आप फौरी तौर पर, या शहद की मक्खी काट गई है तो आप फौरी तौर पर लेडमपॉल जो है मदर टिंचर में किसी कॉटन वगैरह में डिप करके ज़ख़म के ऊपर रख दीजिए, या लेडमपॉल जो है वो आप उसको पोटेंसी में इस्तेमाल करवा दीजिए। यहाँ मैं आपको छोटा सा एक केस बताऊँ, अल्लाह पाक मेरे बेटे को जन्नत नसीब करे, उसको पैर के अंगूठे के ऊपर भीड़ काट गई। अब जाहिर है जब भेड़ काटती है तो आपका पैर जो है वो स्वेल कर जाता है, या आपके किसी भी हिस्से पे वो काटती है तो वहाँ पे सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब मेरा बेटा जब उसको भेड़ काटी तो जाहिर है तकलीफ़ बहुत ज़्यादा थी, और वो उस तकलीफ़ की आलम में भी मुझसे बार बार एक ही बात कह रहा था कि अभी मेरे पैर के अंगूठे ने सूज जाना है और मैं तो काम पर नहीं जा सकूँगा, तो इसका मतलब लाजमी तौर पर मुझे छुट्टी करनी पड़ेगी। वो मुझे छुट्टी के हवाले से अक्सर ज़रा परेशान किया करता था कि आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ, मैंने काम पर नहीं जाना। तो मैंने जब उसको लैडम का इस्तेमाल करवाया, और मेरे पास लैडम मदर टिंचर में नहीं थी, पोटेंसी में मौजूद थी, मैंने लैडम की मेरा ख्याल है 2 के 3 खुराकें उसको रिपीटेडली इस्तेमाल करवाई, और साथ में पहली खुराक के साथ ही मैंने उसे एक बात कही थी कि मैंने तुम्हारे पैरों के अंगूठे को सूजने ही नहीं देना, तुम कल आसानी के साथ मोज़े भी पहनोगे, बूट भी पहनोगे और अपने काम के ऊपर भी जाओगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अब यकीन जानिए कि लैडम के इस्तेमाल से छुट्टी करना तो दूर की बात, मेरे बेटे का पैर का अंगूठा सूजा ही नहीं, और वो शाम तक इंतज़ार में ही रहा कि पैर का अंगूठा शायद सूजे या मुझे पेन हो तो मेरे पास एक सॉलिड बहाना आ जाएगा कि मैं काम पे नहीं जा सकता हूँ। तो हमारी ये दवा जो है इस तरह मुजज़ाती तौर पर काम करती है कि फौरी तौर पर अगर कोई बेड़ काट जाती है, या शहद की मक्खी काट जाती है, या चूहा काट जाए, कोई भी चीज़ अगर काट जाए, कोई जानवर काट जाता है, तो वहाँ पर लैडम को इस्तेमाल किया जाता है। फिर ये दवा जो है बसहरी में, यानी कि फेलन जिसको कहते हैं या विटलो कहते हैं, उसमें भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, और ये बसहरी को 2-3 दिन में फोड़ देती है और आपका ज़ख़म जो है वो बह निकलता है, और उसके बाद कैलेंडुला का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर इस दवा में सुइयाँ चुभने के बाद, यानी कि अगर सुई चुभ जाए, बड़े जहरीले तरीके से सुई चुभ जाए और वो बड़ी ख़तरनाक अंदाज़ में आपको महसूस हो रहा हो कि अब इसका जहर फैलेगा, या जंग आलूद कील अगर आपको चुभ जाते हैं, तो उस सूरत में भी हम लेडमपॉल को इस्तेमाल करते हैं। लेडम का वैसे तो जो असर है, यानी कि ये दवा जो ख़ास तौर पर असर रखती है, वो हमारे फाइब्रस टिश्यूज़ हैं, यानी कि स्पेशली हमारे जॉइंट्स के जो फाइब्रस टिश्यूज़ हैं, हमारे टखने, हमारे टेंडन, हमारी हील्स और हमारी स्किन के ऊपर है। लेकिन ये जो मैंने आपकी इसकी खसूसियात बताई है ना, ये वूंड्स के हवाले से, बर्ड्स या जानवरों के और कीड़े मकोड़ों के काटने के हवाले से, और इसका जो मैंने करेक्टरिस्टिक बताया है नीचे से ऊपर की तरफ आना, ये सारे के सारे जो हैं लैडम को कॉल करते हैं और लैडम के करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब मैं थोड़ा ज़ख़मों के हवाले से आपको बता दूं कि इसके ज़ख़म जो हैं वो किस तरह के होते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि पंक्चर्ड वूंड्स होते हैं, और ये पंक्चर्ड वूंड्स जो होते हैं ये शार्प पॉइंटेड कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं, जैसे कील वगैरह, मैंने आपको कहा नीडल वगैरह है, उसकी वजह से ये ज़ख़म जो आते हैं। स्टैब वूंड में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है, यानी छुरी से या किसी नुकीली चीज़ से अगर ज़ख़म बन गया है। फिर इस दवा को कारबंकल्स में इस्तेमाल किया जाता है। आंख के ऊपर अगर कोई चोट लग गई है और गुंसा लग गया, या वैसे कोई चोट लग गई और आंख वाला हिस्सा जो है वो नीला या स्याह हल्का आंख का पड़ गया है, तो वहाँ पर भी हम इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। फिर इस दवा का इस्तेमाल
वैक्सीनेशन के बद असरात के लिए किया जाता है, जैसे कि कैलेंडर सॉरी थूजा का इस्तेमाल किया जाता है ना वैक्सीनेशन के बद असरात के लिए, वैसे ही वैक्सीनेशन के बद असरात को ख़त्म करने के लिए लेडम पॉल का भी इस्तेमाल किया जाता है, बट सोर्स में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। आप कह सकते हैं कि ये दवा जो है ना आर्निका के ग्रुप में रखी जाती है या आर्निका से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती दवा है। फिर ये दवा छोटे जोड़ों के दर्द में अक्सीर का दर्जा रखती है। गाउट का जहां मर्ज आएगा, जहां छोटे जोड़ों के दर्द पाए जाएंगे, जहां पेशेंट आकर आपको अपने छोटे जोड़ों के हवाले से शिकायत करे, जहां पर गाउट की वजह से नोड्स बन गई हों, वहां वहां हम लेडम पॉल को इस्तेमाल करते हैं। इस दवा में जो तलवे हैं बेहद दुखते हैं और पेशेंट के लिए ज़मीन के ऊपर पैर रखना मुश्किल होता है, टखने कमज़ोर होते हैं और बड़ी आसानी के साथ जो है इनमें मोच आ जाती है, जो हील्स हैं वो भी दुखती हैं और पेशेंट जिस तरह मैंने आपको कहा कि अपना पैर ज़मीन के ऊपर नहीं रख सकता, बाजुओं में और टांगों में इस तरह की दर्द होती है जैसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा मारा पीटा गया है, जैसे खराशें पड़ी हुई हैं, बिल्कुल आर्निका जिस तरह मैंने अभी जिक्र किया आर्निका वाले जो सिम्टम्स हैं हमें इस दवा में मिलते हैं। और इसके अलावा जो लेडम पॉल है इसमें एक जो ख़ास चीज़ पाई जाती है वो ये कि जिस हिस्से में दर्द पाया जाता है उस हिस्से पर ठंडा पानी डालने से पेशेंट अपने आप को बेहतर महसूस करता है। लिहाजा ये एक ऐसी दवा है जिसका आपके घर में होना लाजमी है क्या, या फिर अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे शहद की मक्खियाँ पाई जाती हैं या भेड़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, यहाँ इस तरह के कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं जिनके हवाले से आपको डाउट होता है कि हमें किसी वक्त भी काट लें, तो आपके घर में लेडम पॉल जो है मदर टिंचर में ज़रूर होनी चाहिए। मैंने अभी एक छोटी सी मिसाल आपको दी है अपने ही बेटे की कि भेड़ काटने के हवाले से मैंने उसको घंटों में ठीक किया था। और यहाँ पर मैं दूसरी भी आपको एक बात बता दूं कि लेडम पॉल जो है एपिस मेलिफिका से कहीं ज़्यादा बेहतर काम करती है। एपिस मेलिफिका की भी शोहरत जो है वो भेड़ के हवाले से है कि अगर शहद की मक्खी काट जाए तो आप फौरी तौर पर एपिस मेलिफिका का इस्तेमाल कीजिए। तो मैं क्लिनिकल अगर अपना आपको बता दूं, क्लिनिकल तो नहीं कहना चाहिए, मैं अगर अपना घरेलू आपको वो बता दूं, एक्सपीरियंस बता दूं कि कुछ हफ्ते पहले घर में मेरे बच्चे को भेड़ काट गई, तो मैंने सोचा कि लेडम पॉल की बजाय अगर मैं एपिस मेलिफिका का इस्तेमाल करूं तो शायद वो भी उसी तरह ही काम करेगी जिस तरह लेडम करती है, बल्कि यकीनन उसे उसी तरह ही काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ मुझे इतराफ़ है कि एपिस मेलिफिका उस स्वेलिंग को नहीं रोक सकी जिसको लेडम पॉल ने रोका था। लिहाजा पेशेंट को, मेरे घर के जिस बच्चे को भेड़ ने काटा था वहाँ पे स्वेलिंग भी पाई गई, वहाँ पे दर्द भी पाई गई, और मेरे पास वो तस्वीर अगर यहाँ मौजूद होती तो मैं आपको दिखाती कि होंठ किस कदर सूज गए थे। होंठ इतने सूज गए थे कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि सिर्फ भेड़ ने काटा और होंठ जो है सूज गए। हालांकि अगर मैं चाहती तो मैं उस वक्त क्लिनिक में थी, मैंने शायद अपना ये केस पहले भी जिक्र किया किसी लेक्चर में, मैं क्लिनिक जा रही थी और रास्ते में जाते हुए मेरे बेटे को भेड़ ने काटा और क्लिनिक जाके लेडम पॉल मैं लगा भी सकती थी, खिला भी सकती थी, मैंने लेडम पॉल की बजाय जो है अपने बेटे को एपिस मेलिफिका का इस्तेमाल करवाया, लेकिन एपिस मेलिफिका ने वो इमीडिएट रिज़ल्ट नहीं दिया जो मुझे लेडम पॉल ने दिया था। तो लेडम पॉल जो है मदर टिंचर में भी आपके पास होनी चाहिए और आपके पास पोटेंसी में भी होनी चाहिए। जब हमारे पास जोड़ों के हवाले से मरीज़ आते हैं तो मैं अगर ज़ाती तौर पर अपना एक्सपीरियंस बयान करूँ तो मैं पोटेंसी में लेडम पॉल का इस्तेमाल करवाती हूँ, और जब किसी चीज़ के काटने के हवाले से आते हैं तो मैं उस सूरत में फिर लेडम पॉल को मदर टिंचर के हवाले में इस्तेमाल करती हूँ। जहाँ तक गिरने के बाद, सड़क के ऊपर गिरने के बाद, इंजरी के बाद टेटनस से बचाव के लिए इस्तेमाल की बात है तो मैंने आज तक आर्निका को इस्तेमाल किया है, लेडम पॉल इस्तेमाल करने की नौबत नहीं आई है। मेरे जितने भी घर में या पेशेंट के हवाले से जितने भी लोग आते हैं कि उन वो सड़क के ऊपर गिरते हैं, उन्हें रोड एक्सीडेंट में चोट लगती है, खराशें लगती हैं, तो उस सूरत में मैं हमेशा आर्निका की हाइपोटेंसी इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन लेडम जो है ये तो टेटनस से बचाव की दवा है, अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है, मुझे लेडम को आज तक इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला,
आर्निका ने ही काम कर दिया। तो आप लडम को टेटनस के लिए, आप लडम को जानवरों के और कीड़े मकोड़ों के काटने के लिए, आप लडम को पंक्चर्ड वूंड्स के लिए और आप लडम को गाउट के लिए याद रखिए, बेहतरीन दवाई है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप इसके करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स की बुनियाद पर इसको इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह पाक आपके पेशेंट को ज़रूर शिफा देंगे। शुक्रिया।